हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति एंड वेलकम टू स्वातीज किचन एंड लाइफस्टाइल। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा दिवाली शॉपिंग हॉल। तो डेकोरेशन के लिए, घर के लिए कुछ सामान मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से परचेस किया है। तो आज वो सारा चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और उसका जो प्राइस है या फिर किस वेबसाइट से, किस एप्लीकेशन से मैंने उसको लिया है, वो भी मैं आपको मेंशन करूँगी स्क्रीन के ऊपर। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा ज़रूर चेक करना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये स्वास्तिक और गणपति जी का डेकोर फ्रेम। ये मेटल का बना हुआ है, स्वास्तिक का फ्रेम है और उसके ऊपर गणपति जी का स्टैचू है और चारों कॉर्नर में ओम लिखा हुआ है। तो काफ़ी हैवी है ये मटेरियल, इसका मेटल है जैसे मैंने बोला, और क्वालिटी वाइज देखा जाए तो काफ़ी सुंदर है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो इसका जो डायमेंशन है वो है 22x22 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के आसपास इसकी थिकनेस है, और मेटल भी बहुत हैवी है तो गिर जाए टूट जाए ऐसा कुछ भी इसके साथ नहीं होने वाला है। इसे मैंने मीशो से लिया है और 300 के आसपास इसका प्राइस मुझे पड़ा है, मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट मैंने लिए है ये टी लाइट कैंडल होल्डर्स। ये मैंने 2 का सेट लिया है, अलग अलग डिज़ाइंस में है, मतलब ऊपर का जो मेटल का डिज़ाइन है वो अलग अलग है और इसके अंदर आप इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं। ये ब्लू वाला पार्ट सेपरेट हो जाता है जिसके अंदर आपको टी लाइट कैंडल रखना है, और ये मेटल जो है वो आप हैंग करके भी रख सकते हैं या फिर इसी तरह से टेबल पे प्लेस करके भी रख सकते हैं। काफ़ी सुंदर लगता है, इसके अंदर भी अलग अलग कलर वैरायटीज़ मुझे मिल रहे थे, बट रेड और येलो बहुत ज़्यादा हो जाता है फेस्टिवल में, इसलिए मैंने ब्लू कलर लिया है इस बार। तो इसे भी मैंने बाहर की तरफ हैंग करके लगाया है। और ये मैंने सिमसिम से लिया था, इसका प्राइस भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी स्क्रीन के ऊपर। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये मिला है क्योंकि अभी फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा ऑफर्स चलते थे। उसके बाद मैंने लिया है फेस्टिवल कॉम्बो सेट। तो ये कॉम्बो सेट एक्चुअली जब आप लेते हैं तो बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको चीज़ें पड़ती है। इसके अंदर मुझे मिले हैं 4 दियाज, 4 अलग अलग कलर के दियाज मैंने इसके अंदर मुझे मिले हैं। उसके बाद स्वास्तिक, लक्ष्मी जी के जो पैर होते हैं उनके स्टिकर्स और शुभ लाभ के स्टिकर्स मिले हैं, उसके साथ साथ एक गणपति जी का स्टिकर भी मुझे मिला है। तो ये पूरा कॉम्बो सेट मैंने लिया है सिमसिम से। फेस्टिवल लुक आ जाता है तो इसे मैंने दरवाजे के ऊपर लगा लिया है, सेंटर में नेम रख के दोनों साइड में मैंने स्वास्तिक का स्टिकर लगाया है, ऊपर गणपति जी का स्टिकर और हाँ नीचे यहाँ पे मैंने शुभ लाभ का स्टिकर इस तरह से दरवाजे के ऊपर लगा दिया है। और लक्ष्मी जी के जो पैर होते हैं वो हम दिवाली के टाइम पे तो लगाते ही हैं घर के बाहर दोनों साइड। नेक्स्ट मैंने लिया है ये वॉल हैंगिंग, वुडन का है ये, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है और बड़ा है, 12 इंच बाय 3 इंच का इसका डायमेंशन है। टोटल उसकी जो हाइट है वो एडजस्ट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, अगर आपको बीच में गैप ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा रख सकते हैं, कम रख सकते हैं, ये बिल्कुल एडजस्टेबल है। और ये उड़न का बना हुआ है, इसके ऊपर का जो प्रिंट है वो भी काफ़ी सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 3 का बहुत ही छोटा लगता है तो ये मैंने अमेज़ोन से लिया था, 499 के आसपास मुझे ये पड़ा है, और दिखने में काफ़ी छोटा लगता है। जब पार्सल आया था मुझे तो काफ़ी छोटा लगा था जब मैंने अनबॉक्स किया था उस तब, बट जब लगाया था तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। उसके बाद मैंने लिए है ये फ्लावर सेट, ये आर्टिफिशियल फ्लावर है विद पॉट। तो ये 2 मैंने वाइट कलर का एक साथ लिया था और ये अलग कलर का है पर्पल, और जो पॉट का मटेरियल है वो प्लास्टिक का है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स है तो काफ़ी सुंदर और इन्हांस कर देते हैं किसी भी लुक को। सो ये 3 मैंने सिमसिम से लिए है बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। नेक्स्ट मैंने लिया है वो उड़न का हैंगिंग सेट पूरा, ये 6 उड़ बॉक्स का सेट है, मतलब आप इस तरह से देख सकते हैं। मैंने इसे अमेज़ोन से लिया था, ब्लैक एंड वाइट कलर में मैंने इसे लिया है। तो मेरे डाइनिंग टेबल के ऊपर का जो वॉल है वो बहुत ही खाली खाली था, तो उसको कवर करने के लिए मुझे कुछ तो इस तरह का हैंगिंग चाहिए था, तो मुझे ये काफ़ी सुंदर लगा। इसे मैंने अमेज़ोन से परचेस किया है,
1300 के आसपास इसकी एक्चुअल प्राइस है। तो जो एक्चुअल है वो अभी मैं सर्च करके आपको स्क्रीन के ऊपर दे दूंगी। तो छोटे छोटे डेकोर आइटम तो घर में इसी तरह से पड़े रहते हैं, तो उसको मैंने इसके अंदर अरेंज करके रखा है। काफ़ी सुंदर लग रहा है। पूरा अरेंज करने के बाद आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मैंने ली है ये 3 फोटो फ्रेम सिमसिम से। काफ़ी सुंदर और फिनिशिंग लुक देती है। सनराइज़ का इसके अंदर पूरा इमेज है। सो सनराइज़ का फ़ोटो फ्रेम घर के अंदर लगाना बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। और अगर आप इसे ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो काफ़ी बढ़िया होता है। टीवी का जो मेरा वॉल है वो ईस्ट के डायरेक्शन में ही आता है और वो पूरा वॉल खाली ही था, इसीलिए मैंने ये फ़ोटो फ्रेम ऊपर की तरफ लगा दी है। और काफ़ी सुंदर लगती है, एलिगेंट लुक आता है और फिनिशिंग भी इसका बहुत अच्छा है। इसे मैंने सिमसिम से लिया है। नेक्स्ट मैंने ली है ये एलईडी लाइट्स। ऑब्वियसली दिवाली है तो लाइट्स और ये वगैरह ये तो कॉमन बात है, बट थोड़ी अलग डिज़ाइन में है। इसका जो डिज़ाइन है ऊपर का काफ़ी सुंदर लगा मुझे, तो इसे मैंने सिमसिम से परचेस किया है। और इसकी क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छी और बढ़िया क्वालिटी है। नेक्स्ट मैंने लिए है ये टेबल प्लांटर्स पॉट, जो कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से लेना चाहती थी। उनका डायमेंशन अलग अलग है। एक बड़ा वाला जो है वो 13 सेंटीमीटर का डायमीटर है उसका, और हाइट अगर आप देखेंगे तो वो 16 सेंटीमीटर के आसपास है। और ये स्टैंड के साथ मैंने लिया है सिमसिम से, पैक ऑफ टू है। और जब आप, जैसे मैंने आपको बोला कि कॉम्बो सेट लेते हैं, पैक ऑफ टू में लेते हैं, पैक ऑफ थ्री में लेते हैं, तो आपको रीजनेबल रेट में ये मिलता है। और ये ऊपर का जो बाउल है वो मेटल का है, नीचे जो स्टैंड दिया हुआ है वो भी मेटल का है। और आजकल ये बहुत ही इन में है, तो इसे मैं काफ़ी टाइम से लेना चाहती थी, इस तरह के टेबल प्लांटर। इसके अंदर आप प्लांट जो है वो प्लांटर के साथ रखो तो काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने दिवाली डेकोरेशन के लिए परचेस की है। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आप इसमें से कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट करना। अलग अलग वेबसाइट से ली है और किसी भी वेबसाइट का प्रमोशन मैंने आज इस वीडियो में नहीं किया है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।